हाय, दिस इज राम प्रवेश। और आज अभी हम लोग निकल रहे हैं काफ़ी लॉन्ग ट्रिप पे। मैं जा रहा हूँ अपना होम टाउन, अपन नागपुर जाएंगे। नागपुर के बाद फिर जबलपुर जाएंगे। जबलपुर के बाद हम लोग जाएंगे बिहार, सो यूपी होते हुए, मुगलसराय होते हुए। अभी हमारी जो कार की रीडिंग है ये 5277 किलोमीटर चली हुई है, और अभी हमने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। मैंने गूगल मैप्स ऊपर लगा दिया है, फ्यूल पूरा टैंक फुल है, सारे एयर प्रेशर इनलाइन है, ऊपर गूगल मैप चल रहा है, नीचे मैप माई इंडिया चल रहा है, राइट। और अभी हम लोग जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और देखते हैं। कोई एज सच डेस्टिनेशन पहले से प्लान नहीं है कि ये प्लान के लिए हमने ऐसा इसलिए किया है कि कोई भी डेस्टिनी का जो होटल है वो उसको सेलेक्ट नहीं किया है, अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते हैं। तो जितना देखता हूँ कि कंफर्ट कैसा रहता है XUV700 का, प्लस में आज के डेट में माइलेज भी चेक होगा बहुत अच्छे से, टैंक टू टैंक का माइलेज चेक होगा, और कंप्लीट हाईवे का है हमारा। हाईवे के अंदर हमारा एएच भी है, तो एशियन हाईवे जो इंडिया, भी आप देख सकते हैं हमारे डैशकैम पे भी हमने मैप को स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, आपने गूगल मैप ने बता दिया और यहाँ पे इसने मैप माय इंडिया, तो दोनों लेके चलता हूँ तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल। अलेक्सा प्ले गणपति सॉन्ग। तुतारी गणपति बप्पा मोरिया कम हंगामा। फोर लेन का रोड था पहले, अब ये सिक्स लेन का हो रहा है। उसके साथ साथ मेट्रो का कंस्ट्रक्शन पूरा चालू है, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फाइबर ऑप्टिक्स का पूरा काम, ले ओवर चालू है। तो वायर्स ऑलरेडी फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर लाइन, बिकॉज आईटी ऑफिसेस है यहाँ पे, तो आईटी ऑफिसेस में बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो पूरा डेडिकेटेड लाइन्स है, बट उसको और एनहांस किया जाएगा, विच इज़ गुड। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पे ही मैं मोस्टली चलता हूँ, तो उसमें हमें थोड़ा सा कंफर्ट लेवल ज़्यादा सही रहता है। हमारा जो डैशकम है, डैशकम के अंदर भी आज मैंने 256 GB का कार्ड लगा दिया है, ताकि पूरे ट्रिप की रिकॉर्डिंग होगी। और सेफ्टी वाइज हमने बम्पर्स वगैरह लगा दिए हैं, पीछे का आगे का तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पे चलेंगे, बट मैं खुद भी कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे जो चश्मा मैं लगाया हुआ हूँ, ये नाइट ड्राइविंग का चश्मा, सो इसके बारे में भी अगर आपको जानना हो तो ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये चश्मा एक्चुअली है स्मार्ट लाइफ लेंसेस इसको बोलते हैं, और ये मैंने ड्राइविंग स्पेसिफिक ये चश्मा है, और तो इसमें ये फायदा है कि कोई भी ट्रक अगर नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं मोस्टली नाइट ड्राइव नहीं करूँगा अभी, सो मैक्स टू मैक्स मैं जो ड्राइव करूँगा वो 8-9 बजे रात तक करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन अगर बाई चांस करना हुआ तो उसके लिए ये चश्मा से सेफ्टी मिलता है। आगे जितने भी लाइट्स आते हैं ट्रक के, वो लाइट्स आँख पे नहीं लगता है। Follow this road for 2 kilometers, then bear right. सारे lights वगैरह auto lights हैं, automatic lights वगैरह on हो गए, ये night mode में हो गया, इसको ये भी night mode में हो गया। मुझे अपने वो जूम किया था, क्या जूम किया था, आप देख सकते हैं ये रोड कितना सुंदर है। और हम लोग अभी ऑन द वे हैं, औरंगाबाद के आसपास में हैं, अभी नागपुर में या नागपुर के आसपास जहाँ पे भी थकान हुई वहाँ पे रुकेंगे। और हमारी जो जर्नी है 3 दिन का जर्नी है। आप पूरी इधर देखेंगे रोड कितना खूबसूरत है, 6 लेन का रोड है, इसमें से दोनों तरफ एक एक लेन रिजर्व है, पार्किंग के लिए वगैरह या कुछ वैसा इमरजेंसी इनके सब उसके लिए ये रहता है। और रोड बहुत अच्छा है, 80 का स्पीड अलाउड है, तो इससे आगे बढ़ते हैं गाइज। देखिए गाइज कितना खूबसूरत पहाड़ का नजारा, सिटी ये पहाड़ दिख रहा है, और रोड कितना मस्त है।
आगे से थोड़ा सा राइट टर्न है, देखिए बीड और ये सोलापुर निकलता है ये रोड एक्चुअली। तो ये कितना खूबसूरत रोड है लॉन्ग ड्राइव के लिए, ऐसे रोड में आप एडास पे लगा दें तो आई मीन ड्राइविंग इज डेफिनेटली अ फन। ये देखिए गाइस ब्रेक लगा दिया खुद से। अब कितना भी कोशिश करेंगे आगे नहीं बढ़ने देगा, खुद से एक्सीलेटर दबा के आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं राइट का सिग्नल दूंगा तब मैं मुझे ओवर राइट करने। ये देखिए आगे, अब इसके बाद हम ओवरटेक करता हूँ इसको, कोई उपाय है नहीं। गाइस म्यूजिक जो चल रहा है आमिन वैन ब्यूवेन का म्यूजिक है, बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है। और अच्छी बात ये है कि इस हाईवे पे भी वोडाफोन का जो अपना एलेक्सा का इंटरनेट है वो भी चल रहा है। ये देखिए कितना राइट साइड में देखिए पूरा पहाड़ पहाड़ आपको दिखेगा। ये देखिए गाइस ब्रेक लगाया सेफ, कितना खूबसूरत है ये देखिए गाइस। आई मीन देयर इज नथिंग लाइक इट, हाईवे ड्राइविंग हाईवे लाइफ है ये टोटल, और बहुत मजा आने वाला है मुझे बहुत पर्सनली। ब्रेक लग गई मेन लेन पे, अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको इसी रोड को फॉलो करना पड़ेगा, यू टर्न का कोई हिसाब नहीं है आगे। अभी मैं 100 के ऊपर चल रहा हूँ, 105-106 माइलेज के हिसाब से, बिकॉज हमारा जो जर्नी है काफ़ी लंबा जर्नी है ये, तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ आगे। देखिए कितना सही प्लान्ड रूट है, लाइट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, सो दिस इज गुड एक्चुअली। सिंडौन इधर है, गंगोली कंड, देखिए फिर से कोई ऐसी जगह पे 127-100 का मजा है। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. देखिए, ब्रेक बहुत ही एडवांस में लगा है। वैसे मैंने इसका जो ब्रेक का सेटिंग है, एडास ब्रेकिंग का, जो EBD का सेटिंग है, उसको मैंने हाईएस्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ गाइज। आगे एक कट है, वहाँ से हमें ये रोड छोड़ना पड़ेगा और हमें दूसरा हाईवे पकड़ना होगा, जो इससे भी बेटर हाईवे है आगे जाके आपको मिलेगा, वो एशियन हाईवे है, H40 या 41 करके उसका नंबर है, तो उस हाईवे को अपन पकड़ेंगे। सो चलते हैं जलना आगे से लेफ्ट। गाइज आप यहाँ देख रहे हैं औरंगाबाद सिटी लेफ्ट है, जलना भी लेफ्ट है, और आगे चलते जाएंगे तो सोलापुर, तो सोलापुर हाईवे कितना खूबसूरत है राइट। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और हम लोग अभी सोलापुर हाईवे को छोड़ चुके हैं, अब हम लोग आ रहे हैं वापस औरंगाबाद इसमें, और नागपुर हाईवे पकड़ेंगे। नागपुर हाईवे के टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, सो आई होप कि वो इससे भी अच्छा होगा, वो भी फॉलो कर रहा है जिससे हम ओवरटेक कर सकते हैं। देख सकते हैं ये एक VIP कार जा रही है, बेंटली कार, तो रेयर दिखता है इंडिया में, और ये हमारे पीछे पीछे आ रही थी। अभी आगे बेंटली है और पीछे फॉर्च्यूनर है व्हाइट कलर की, और बीच में XUV 700। बेंटली का देखिए लाइट, टर्निंग लाइट कैसा है, और XUV का सिक्वेंशियल टर्न लाइट, तो मैंने भी टर्न लाइट दिया। एंड आप अगर इसका टायर देखेंगे तो टायर का जो विड्थ है, अब
सामने एक गाड़ी जा रही है एक्सेल 6, उसके टायर का विड्थ आप देखिए और पीछे बेंटली का टायर का विड्थ देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइस दोनों यू नो जो एक्सेल 6 की जो दो चक्का है तो दोनों को जोड़ देंगे तो बेंटली का एक चक्का के बराबर का विड्थ है। तो उससे बेनिफिट क्या है कि अगर आपकी जो एक्सेल 6 सामने जो जैसे कार है, अगर आपकी वो कार 120 के स्पीड में चल सकती है तो ये 250 के स्पीड में चल सकती है। तो ये बेनिफिट है, जितना चौड़ा आपका टायर उतना टायर स्टेबिलिटी और कंफर्ट भी उसी हिसाब से रहता है, लेकिन माइलेज कम रहेगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाता है और उस हिसाब से आपका यू नो ज्यादा तेल खाएगा और डेफिनेटली माइलेज। रिवर्स पार्किंग का सेंसर दिया है, इंफ्रारेड कैमरा दिया है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, चार लाइट्स हैं, इंफ्रारेड कैमरा नंबर के पास। हाँ हाँ, औरंगाबाद जलना रोड है और यहाँ पे अपन टॉल को क्रॉस करेंगे। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ चार्जेस लगेंगे बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। सिर्फ जो हेवी व्हीकल्स हैं, हेवी व्हीकल्स के चार्जेस लगते हैं, हेवी व्हीकल्स में ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, उन सब पे लगता है। ये देखिए ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग लगी गई क्योंकि बाइक साइड में थी और जबकि मैं एक्सलेटर दबा रहा हूँ। तो ये चीज़ अच्छी है कि इसका जो EBD है ना, वो EBD हर एक सिचुएशन में काम करता है, चाहे आप खुद चला रहे हो चाहे कंप्यूटर चला रहे हो, तो दोनों केसेस में काम करता है। तो विच इज़ वेरी कूल। हम लोग अभी रुके हैं थोड़ा सा कुछ स्नैक्स करने के लिए यहाँ पे हाईवे पे। सो गाइस अब थोड़ा सा लंच के बाद मैं वही सोचा था कि बच्चे के कंफर्ट के लिए मैं इसके ऊपर ये बिछा देता हूँ, बेड लगा देता हूँ बैक सीट पे। तो ये बेड है जो मैंने आपको दिखाया था और इसमें मैं हवा भरता हूँ, इसमें दो साइड से हवा भरता है, तो हवा भर के देखते हैं कि ये कितना यूज़फुल है। एक ये है साइड में, इसमें नहीं भरेंगे, सिर्फ प्लेन भरेंगे बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे थैला है, उसको अलाइन करेंगे। तो ऑलरेडी ये मैंने इसके साथ इन्फ्लेटर दिया है, ये ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। और गाइस अब मैं हवा भरता हूँ, अगर आपको ये हवा चाहिए तो ये करना है, नहीं तो ये आगे हो जाएगा। और खाने खाइए। सो गाइस इस तरह से अभी हम लोग ऑन द वे हैं और अभी मैंने बेड लगाया है, ये देखिए किस तरह से बेड लगता है। और एक आदमी पैर मोड़ के थोड़ा सा आसानी से सो सकता है। मैंने AC को फुल कर दिया है और इसके बाद हम लोग अभी खाना खाएंगे। यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इसको उल्टा लगाया है, उल्टा इसलिए बिकॉज इसका जो वेंट्स होता है इस तरफ जो होता है तकिया प्रोटेक्शन के लिए होता है। बट उसके वजह से हम लोग अभी आए हुए हैं, ये आप हाईवे पे हूँ और ये देखिए यहाँ पे किशमिश और यू नो ग्रेप्स इन सब के शॉप्स काफ़ी सारे हैं और यहाँ पे हमारी कार यहाँ पे खड़ी है। एंड अभी मैं आपको जो ग्रेप्स का खेत है इसके अंदर लेके चलता हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग ग्रेप्स के इसमें हैं, खेत में हैं जहाँ पे खेती हो रही है ग्रेप्स का। इसके अंदर कहीं पे भी ग्रेप्स नहीं दिख रहा है, अभी टूट गया है ना। सो हम लोग अहमदनगर होते हुए आए और वो रूट ऐसा बोला जाता था कि काफ़ी लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा रूट है, बट पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। वो दो लेन का ही रोड है, उसमें सेम रोड पे इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, तो उसके वजह से कितना प्रॉब्लम नाइट ड्राइविंग में होता है ये तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है अगर आप नाइट ड्राइविंग, या दिन में भी मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा वो। उसके अलावा कोई दूसरा भी एक रूट है तो रिटर्निंग के टाइम पे मैं दूसरे रूट से आऊँगा, तब मैं आपको बता पाऊँगा कि वो भी अच्छा है या ऐसा ही भगवान भरोसे टाइप है। ओके, बट ये जो अप्रोचिंग रोड है जो नागपुर के 70-75 किलोमीटर पहले से ये स्टार्ट होता है, ये इम्प्रेसिव है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी मैं नागपुर हाईवे पे हूँ और इस पे चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन XUV700 में दिखा रहा है और वो है टेक अ ब्रेक। तो ये ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन
डिटेक्ट किया है। इसके साथ साथ उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म से मैं कंटिन्यू ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसलिए रिलैक्स को मॉनिटर करता है कि रिलैक्स आपने नहीं किया है। तो ये एक बड़ी अच्छी फीचर है। तो जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा उसके बाद मुझे साइड ले जाके ब्रेक लेना पड़ेगा।